लगे, मुनाफिकीन खड़े साए साए करने लगे। बैठे वालों जरा सा खड़े हो सकते हो, खुदा की कसम अगर मिस्रे पहुंचे, मैं इस मिजाज के मिस्रे पढ़ने का आदी नहीं हूं, और ये पूरी दुनिया में ये क्लिपें जाएंगी खुदा की कसम। बाद में लोग कहेंगे अरदास भाई कि आप ऐसे भी मिस्रे पढ़ते हैं, लेकिन क्या करूं मेरी मजबूरी है। कड़ी जबान से मिसम सनाए करने लगे, मुनाफिकीन खड़े साए साए करने लगे। तुलुए माहे मुहर्रम पे मुफ्तियाने फसाद हजारों फतवे दिए, काएं काएं करने लगे। ऐसा मिजाज आप बनाइए। खुर्शीद हल्लौरी साहब बैठे हुए, अख्तर भाई ने इतना कम पढ़ा है, ये तो बाद में बहरहाल अख्तर भाई मुझसे निपटेंगे, और अख्तर भाई को इतना अफसोस मुझे हुआ है इस वक्त कि अख्तर भाई ने कम पढ़ा, सिर्फ इसलिए कि आपने बहरहाल मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपने वैसा नहीं सुना, इसलिए कि 5 बज रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ असम नसीराबादी साहब की खिदमत में, आप हजरात असम साहब को सुनिए, देखिए इस शेर की दहाड़ कैसी है। मैं तो नहीं बुलवा पाया, शायद हो सकता है असम भाई आपको जगा दे। नारे हैदरी, नहीं एक बेदारी बेदारी वाला जवाब दीजिए, नारे हैदरी। उसी हिसाब से उन्होंने भी बोझ ले लिया।
ये नजारे बोलते रहते हैं साहब, एक नारे सलवार बेटा सुनिए कि कम सिम है या था कि कम सिम है अभी सैयदो सरदार बनेगा। चार विषय और सुन लीजिए खास तौर से, मैंने कहा मुतासिर बहुत है फिलहाल लेकिन आप पढ़वाएंगे। कम सिम है अभी सैयदो सरदार बनेगा शबीर के लश्कर का अलंकार। क्या सुना है बड़ा कोई ना था क्या आपको ये उठते हुए था सरकार शबीर के लश्कर का अलंकार बनेगा। मिशन भाई खास तौर से देखेगा भैया देखेगा क्या बास के तेवर ये बताते हैं अभी से। अरे ये हो के जवान हैदर शबीर के लश्कर का अलमदार बनेगा अब्बास के तेवर ये बताते हैं अभी बिहार में ठीक दूसरे दिन यानी 26 अप्रैल थी
कि जलजला बहुत तेज आएगा और 1 बजे का दिन भी दे रखा था। घर वालों ने सभी बच्चों ने उस सबने रोका, लेकिन हमने कहा नहीं, महफिल है, मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरा मौला जानता है कि मैं भी 2-2 पुलिस बटालियन का इंचार्ज रहा हूँ, मैं कल्याण नगर डिपो का स्टोर इंचार्ज, प्रभारी पद था मेरा। सन 2004 में मेरी नौकरी चूंकि इसलिए गई थी कि हमें ये नौकरी मुझे करना है, वो मैं कर रहा हूँ। और दुनिया का मतलब जो भी है हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा, अब तो लगता है कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं नहीं गया। तो वो गलत के 1 बजे दिन में जलजला आ गया, घर के लोग भी बाहर निकल गए। मैं मौला की जगह पे हूँ लेकिन मैं अपने अशार कहता रहा, हिलता रहा, लेकिन निकला नहीं बाहर। लेकिन उसी वक्त मैंने जो 4 मिसरे कहे थे इसको सारे हिंदुस्तान में पढ़ा, और खुदा का शुक्र है कि 2015 के बाद से अभी तक तो जलजला नहीं आया। सुनिए साहब, 4 मिसरे जो असद नसीराबादी में उन हालात में कहे थे, सुनिए साहब, ये आपके लिए है। एक बाबा से भलन नारायण सलवा भेजिए, कि जो भी है मातमी है, और कहां घुस जाएगी उसको पता नहीं है, ये उसकी दिलेरी है। सुनिए साहब, कि जो भी है मातमी वो यकीनन दिलेर है, या यूं कहूं के अपने इलाके का शेर। या यूं कहूं के अपने इलाके का शेर है, मिशन भाई खास तौर से, कि इन जलजलों से कह दो कि खामोश अब रहे, शायद किसी काबिल हो, तो मुझे जो पढ़ना था वो मैं 1 बजे या 2 बजे जो भी पढ़ता, लेकिन अब जो भी मौला था जितना वक्त था मेरे लिए, बस एक मतलब 2-3 शेर जिन पे जनाब अभी जो कल हुआ है गोद में उठा लिया, उस शेर में कह रहा हूँ, सुना। सुनिए साहब, एक नारे सलवा, एक बात है भलन नारे सलवा दीजिए भैया, बस थोड़ी देर बताओ, कि मुरसल मुरसल बच्चों के लिए रसूल खुदा का नाम भाई, कि मुरसल का तेरे हाथ में इशारा भी नहीं है, मुरसल का तेरे हाथ में इशारा भी नहीं है,
वह देखिएगा जन्नत में बुलाने का इशारा। मुरसल का तेरे हक में इशारा भी नहीं है, अरे तुझको गमे सरवर का सहारा, तुझको गमे सरवर का बस से 5 मिनट ले सहारा भी नहीं है। और मौला की तू तू जाए विलादत का सदा से रहा मुनकिल, अरे मुफ्ती तेरी तकदीर में काबा भी नहीं है, मुफ्ती तेरी तकदीर में क्या। भाई खास तौर से देखिएगा, अब ये खामोशी तोड़ना असद नसीराबादी बखूबी जानता है। सुनिए साहब क्या कह रहे हैं। और इस शेर के बाद जो दूसरा शेर, उसमें मैं ये चाहूंगा कि कुछ लोग जो है वो मुझे खड़े होकर डाक दे और मैं लेता रहता हूँ लेकर रखूंगा इशारा। हाँ वो दावा कुछ दावे हमारे पास है वो करता रहता हूँ। सुनिए साहब ये शेर सुनिए खासतौर से, भाई देखिएगा आपसे खासतौर से कि औरों की औरों की, उन्होंने मुझे 65 साल का बना दिया जबकि अभी मैं 52 के बाद बड़ा हुआ गया। वैसे असल भाई जुमले बता रहे हैं सही है। सुनिए साहब शेर सुनिए कि औरों की तरह क्यों ना करूं मां तमें सभी, अरे इतना तो अभी मुझ पा बुढ़ापा रिजवान अभी बैठा हूँ
मैं फर्श विला पर देखेगा रिजवान अभी